श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्य योग। आप सुन रहे हैं आशीष जोशी की आवाज में। श्री भगवान बोले, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह संपूर्ण विद्याओं का और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मेरे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं तथा वे प्राणी भी मेरे में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग और सामर्थ्य को देख, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और उनका धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में फिर उनकी मैं रचना करता हूं। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय को मैं अपनी प्रकृति को वश में करकर बार बार रचता हूं। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मेरे को वे कर्म नहीं बांधते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में संपूर्ण चराचर जगत को रचती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर स्वरूप परम भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। जिनकी सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात जिनकी आशाएं कर्म और ज्ञान सफल देने वाले नहीं होते, ऐसे अविवेकी मनुष्य आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। परंतु हे प्रथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। नित्य मेरे में मनुष्य दृढ़ व्रति होकर लगन पूर्वक साधना में लगे हुए और भक्ति पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की, अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। कृतु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं और औसत मैं हूं, मंत्र भी मैं हूं, घृत भी मैं हूं, अग्नि मैं हूं और हवन रूप क्रिया भी मैं हूं। जानने योग्य पवित्र ओंकार ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं।
इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, जल को ग्रहण करता हूं और फिर उस जल को वर्षा रूप से बरसा देता हूं। और तो क्या कहूं, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूं। वेद त्रयी में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्य के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर से मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूं। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी करते हैं मेरा ही पूजन, पर करते हैं अविधि पूर्वक, क्योंकि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी हूं। परंतु वे मेरे तत्व से मुझे नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। सकाम भाव से देवताओं को पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि उन सभी वस्तुओं को भक्ति पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मेरे में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूं। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से जिनसे कर्म बंधन होता है, ऐसे शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूं। उन प्राणियों में न तो मेरा कोई द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वो मेरे में है और मैं उनमें हूं। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों और जो भी स्त्रियां और वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निःसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हो, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर, तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा,
मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार मेरे साथ अपने आप को हमेशा लगाकर मेरे परायण हुआ तू मेरे को ही प्राप्त होगा।